सिटी करनाल में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और उन्हें पुलिस व कानून का कोई खौफ नहीं है। आलम यह है कि चोर धलंडे से चोरी की वारदात को अंजाम दे रही हैं। आपको बता दें कि बीती रात जनकपुरी स्थित एक फैक्ट्री में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें हजारों की चोरी की बात सामने आई है। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि यहां पर शरारती तत्व बैठकर नशा आदि करते हैं एवं ऐसे ही लोग चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। बार बार पुलिस को सूचना देने के बाद भी यहाँ पर पुलिस गश्त नहीं बढ़ाई जा रही है, जिससे चोरों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की वारदातों से आसपास के लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए ताकि चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उसके बाद कुछ नहीं आना किसी ने भी। ये तीसरी चोरी है इस गली के अंदर। उससे पहले चोरी होती रही है इसके अंदर। कभी किसी की मोटर लेके खोल के, कभी किसी को कुछ लेके, तो यहाँ कोई गश्त वगैरह नहीं लगती। यहाँ तो दो चार दिन आवाज आएंगे सब ये मीडिया में देखने के बाद, उसके बाद कोई नजर नहीं आएगा। आपको पुलिस ने सूचना दिया? हमने 16 नंबर फोन करा, जिप्सी आई। जिप्सी आके कहती है भाई तुम वीडियो लेके पुलिस चौकी चले जाओ, सदर पुलिस चौकी, वहाँ कंप्लेंट लिखाओ। अब हम वीडियो लेके वहाँ जाएंगे, वो तो ढूंढ नहीं पाएंगे, इनको वैसे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर कुछ ढूंढने वाले होते तो यहाँ रुकते कम से कम, वो दो मिनट में वापस चलेंगे देखने के बाद। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो नशा करते हैं लोग, उनकी शरारत है? उन्हीं की शरारत है ये। उन्होंने मुखबरी करा के थे, ताला तोड़ा है, उन्होंने सारी चीज़, उनको पता था भी कैसे क्या तोड़ना है। कोई आज का थोड़ा ना उन्होंने नजर रखी होगी, वो तो सुखा बना, वो कोई टेम्पो वगैरह लेके नहीं आए, तो सारा सामान भर के ले आते हो। तो कितने लोग थे ये? तीन लोग थे ये। सारे सीसीटीवी कैमरे कैद हो गए? हाँ, तीनों कैमरे में। फोटो साफ आ रही है यहाँ? फैक्ट्री में लाइट बंद रखते हैं ना, उससे पार्किंग की वजह से, रात को पार्किंग ना हो जाए, आग ना लग जाए, लाइट बंद रखते हैं, तो फिर भी लड़के तीन नजर आ रहे हैं इसमें। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग लगा लो जी 60 हज़ार के लगभग नुकसान है, 60 से 55 हज़ार नुकसान है। इस गली मोहल्ले में पहले भी इस तरह की वारदातें होती? तीन बार हो चुकी है पहले, मेरे से पहले मेरी चौथी वारदात है। अच्छा, हाँ, सब रिपोर्ट जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। पकड़ में कोई आया अभी तक? अभी तो कोई पकड़ में नहीं आया, ये तो ढूंढने पड़ेंगे इसको, लड़कों को दिखा के यहाँ पे, यहाँ लोकल लोगों को दिखाएंगे, तो पता चलेगा लड़के कौन है। ठीक है, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन ये अपील करना चाहते हैं, यहाँ छोटे छोटे लोग बैठे हैं हमारे यहाँ से किराए पर रेंट ले लेके फैक्ट्रियाँ लेके बैठे हैं भाई। हम लोग काम चलाते हैं, अपनी मेहनत से काम चलाते हैं। हमारी भैया पहले मेरी किसी भाई की चोरी हुई, उसका नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मतलब कि हमको ये तो है नहीं कि मालिक तो है नहीं यहाँ पे, फैक्ट्री वाले दूसरे हैं। हम तो ये चाहते हैं यहाँ गश्त होनी चाहिए सुबह शाम के लिए, यहाँ दारू पीना और जुआ खेलना बंद करा जाए। यहाँ पे काम पहले नहीं है, ऊपर से काम तो पहले ही नहीं है, नुकसान तो पहले हो रहा था, 6 महीने पहले नुकसान हो रहा था। अभी फैक्ट्रियाँ अगर पटरी पर आई हैं, फैक्ट्रियाँ हम लेकर आए पटरी पर खींच कर उसको, अब ये फिर चोरी होगी, 60-70 हज़ार का नुकसान फिर हो गया ये, अब उसको फिर लेकर आना पड़ेगा खींचने के बाद। क्या नाम सर? मेरा नाम जी ओम प्रकाश है, साई फुटवेयर। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ, इस गली के अंदर चोर बैठते हैं, शराबी बैठते हैं, शाम को 4 बजे यहाँ बैठ के शराब पीनी शुरू कर देते हैं सर। यहाँ उनको किसी का कोई खौफ नहीं है, खुलेआम यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, जुड़े खेलते हैं। बार बार हमारे द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती यहाँ पे। आज से 20 से 25 दिन के पहले मेरी फैक्ट्री के बाहर 10 से 12 लड़के बैठ के शराब पी रहे थे। मेरी फैक्ट्री यही सामने ही है, जो कि मैंने उनको हटाया, तो हटाने के बाद वो रात को 10-11 बजे सारे लड़के इकट्ठे होके आए और मेरी फैक्ट्री का गेट तोड़ दिया। उसके बावजूद मैंने सदर चौकी इंचार्ज को लिखित में एप्लीकेशन दी और बकायदा जिसने मेरी फैक्ट्री का गेट तोड़ा था उनमें से एक बंदे की बाइक का नंबर भी मैंने दिया, लेकिन आज तक मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर है टाइम पहले की घटना? ये सर 15 से 20 दिन पहले की घटना है, जो कि मैं सदर बाजार चौकी इंचार्ज को बाइक का नंबर भी दे चुका हूँ, उसके बावजूद मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। फिर भी पुलिस आंखें बंद करके बैठी है। पुलिस यहाँ आती है, बुलाने के बाद 20 बार बुलाओगे तब एक बार जाके पुलिस आती है, आके खाना पूर्ति करके चली जाती है। पुलिस द्वारा यहाँ कोई गश्त नहीं लगाई जाती, इसलिए मामला SP साहब के संज्ञान में लाना चाहिए और यहाँ गश्त बढ़ाई जानी चाहिए और यहाँ कोई वारदात होती है उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। उच्च अधिकारी कोई वीडियो देख रहा हो तो आप उनको क्या अपील करना? मैं उच्च अधिकारियों से यह अपील करना चाहूँगा, यहाँ सब रोजी रोटी अपना करके खाते हैं, सबकी फैक्ट्री है, तो यहाँ गश्त बढ़ाई जाए और पुलिस के द्वारा यहाँ मामला संज्ञान में लाया जाए। बड़े उच्च दायरे चाहिए कि यहाँ पे जो बैठ के सर जुआ खेलते हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, जो खुले में हम दारू बैठ के पीते हैं उनको यहाँ से रोका जाए, यहाँ पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ नशे का काम भी काफी बड़ा हुआ? बिल्कुल होता है, यहाँ नशे का काम भी होता है, कारोबार होता है, तो लोग तस्करी करते हैं यहाँ पे आके। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कवल सिंह संधू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।